सो हे गाइस, फर्स्ट वेलकम बैक टू ओडी चैनल, सोशल मीडिया या टीचर। सो फ्रेंड्स, आपने मुझे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पूछा था कि आखिर हम अपने स्नैपचैट पे अपने किसी फ्रेंड को अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर आपने अपने स्नैपचैट में अपने फ्रेंड्स को गलती से यहाँ पर ब्लॉक भी कर दिया, तो आखिर आप कैसे उसको वापस यहाँ पर अनब्लॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बेसिकली पता है कि स्नैपचैट पे अगर आपको किसी पर्सन को ब्लॉक करना होता है तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप उसके प्रोफाइल में जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपने एक फ्रेंड के यहाँ प्रोफाइल में जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पर राइट साइड में यहाँ पर 3 डॉट वाला। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको सेकंड वाला ऑप्शन में क्लिक करना होता है ब्लॉक वाले। तो फ्रेंड्स, आप जैसे इस ब्लॉक वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके यहाँ पर जो भी फ्रेंड को आप ब्लॉक करते हो परमानेंटली यहाँ ब्लॉक हो जाता है आपके स्नैपचैट के अकाउंट से। जैसे गाइस, मैं यहाँ पर ब्लॉक वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे यहाँ ब्लॉक वाले ऑप्शन क्लिक करता हूँ, उसके बाद हमारा जो यहाँ फ्रेंड होगा मेरा परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आप इसको वापस यहाँ पर अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने अपने स्नैपचैट पे किसी फ्रेंड को अनब्लॉक मतलब कि ब्लॉक कर दिया है, तो फ्रेंड्स उसको आप वापस यहाँ पर अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल में चले आना है। तो फ्रेंड्स, प्रोफाइल में आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है यहाँ पर राइट साइड यहाँ पर 3 डॉट वाला। जैसे गाइस, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स वाला। तो फ्रेंड्स, आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, आप जैसे सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आ जाए, उसके बाद आपके यहाँ नीचे स्क्रॉल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ब्लॉक वाला। जो गाइस, आपके यहाँ पर सेकंड लास्ट यहाँ पर थोड़ा ऊपर ऑप्शन मिलता है ब्लॉक। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि आपको ब्लॉक्ड वाले ऑप्शन को यहाँ पर टैप करना है। जैसे गाइस, मैं यहाँ पर टैप करता हूँ ब्लॉक्ड वाले ऑप्शन को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि आपने अगर अपने स्नैपचैट अकाउंट जितने पर्सन को ब्लॉक किया होगा वो सारा ब्लॉक लिस्ट आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा, और आप यहाँ पर जिनको भी यहाँ पर अनब्लॉक करना चाहते हैं अपने यहाँ पर स्नैपचैट के अकाउंट से, उनको आप यहाँ पर अनब्लॉक कर सकते हैं। जैसे गाइस, मैंने यहाँ पर अभी इस टाइम इस वाले फर्स्ट वाले अकाउंट के यहाँ पर ब्लॉक किया था, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ प्रीति टाइप का। तो मैं गाइस इसको अनब्लॉक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिला है क्रॉस वाला। तो फ्रेंड्स, आपको क्रॉस वाले ऑप्शन को टैप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे यहाँ पर टैप करते हैं, उसके बाद आपको यस वाले ऑप्शन को टैप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही वाले यस वाले ऑप्शन को टैप करते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि आपने यहाँ पर जिस फ्रेंड को यहाँ पर अभी ब्लॉक किया था वो यहाँ पर अनब्लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वापस से आपको यहाँ पर अपने स्नैपचैट के चैट में उस पर्सन को लाना है, तो गाइस आपको करना है कि आपको अपने चैट में चले जाना है। एंड गाइस, उसके बाद आपको उस वाले पर्सन का यहाँ पर यूज़र नेम यहाँ पर टाइप कर लेना है। जैसे गाइस, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ उस पर्सन का यहाँ पर यूज़र नेम। इस वाले पर्सन का यहाँ पर स्नैपचैट का यहाँ पर अकाउंट हमारे सर्च में यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको वापस यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी पर्सन को ब्लॉक करते हैं तो उसका यूज़र नेम आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में यहाँ पर याद कर लेना है। आप भी इस वे का यूज़ करके अपने स्नैपचैट में किसी फ्रेंड को वापस यहाँ पर अनब्लॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि आप अच्छे से इस बात का ध्यान रखें एंड अपने उस फ्रेंड के यहाँ पर यूज़र नेम जरूर यहाँ पर याद करें। फ्रेंड्स, अगर आपको हर वीडियो पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप चैनल मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस, हैव अ गुड डे।